अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चीनी का पूरा खुला का ही नहीं अभी तक। चीनी का भूरा ना है वरना खुल गया होता। अब तो कैसी अलग सी बू आ रही है माँ, कोई और चीज है जो किसी ने चीनी के भूरे में मिलाई थी। सासू माँ ने तो टीका लगा हुआ है इस अंगूठी में, इसमें तो चीनी का भूरा लगा हुआ है। वही पदार्थ है जो रसोई में था। बिंदिया बहू। जी जी सासू माँ। तबीयत तो ठीक है ना? जी हम ठीक है। ज्यादा चोट तो ना आई ना? नहीं सासू माँ, ये अंगूठे बहुत अच्छी है, कभी आपको पहनते हुए नहीं देखा। ये हमरी ना है, तपू की है, अभी अभी देकर गई। जी हम अभी आते हैं। जिस भूरे से इतने लोग बीमार पड़े वही भूरा तपू माँ की अंगूठी में, और तपू माँ ने ही जल पिला के सबको ठीक किया। हमें अभी जी को बताना चाहिए। नहीं नहीं, पहले हमें और बात पता करनी चाहिए, फिर बताएंगे उन्हें। सच का पता तो हम लगा के रहेंगे। हे भोलेनाथ, तपू माँ साध्वी है, सब लोग उनको बहुत ही मानते हैं। उन पर ऐसे शक करना बहुत गलत है, पर हम क्या करें, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इतने लोग माँ के मुंह से वापस आए हैं और इल्जाम हम पर लगा है। सच का पता तो लगाना चाहिए, कोई रास्ता दिखाइए भोलेनाथ, कोई तो रास्ता दिखाइए। आग तुमने लगा दी है, जनता में आक्रोश है, हमें उस आग को बस हवा देनी है। इतनी हवा देनी है कि जनता बिंदिया के खून के प्यासे हो जाए। समझी? समझ तो गए हैं हम,
पर वो करेंगे कैसे? जी जी, विंध्या को खत्म करने के लिए हमारे काम आएगा उसका रक्षक अभय। अगर हमारे अभय को कुछ भी हुआ ना, तो हम छे भूल जाएंगे कि तुम हमारी छोटी बहन हो। शांत हो जाओ जीत जी, अभय को कुछ नहीं होगा। बकरे की बलि देने के लिए जो तलवार इस्तेमाल होती है वो टूटती है क्या? अभय सिर्फ तलवार का काम करेगा, वो देगा बिंदिया की बलि। वो तो उससे प्यार करता है, वो कैसे? वो सब आप हम पर छोड़ दो, आप बस नवरात्रि की तैयारियां शुरू करो। देख लेंगे तुम्हें तब। प्रणाम बाबूजी। जीकर, नवरात्रि शुरू होने जा रही है, कल प्रथम है। सरयू मंदिर के बड़े पंडित जी मोहल्ले के हर घर की साज सज्जा देखने आएंगे। जिस घर की साज सज्जा सबसे प्रथम होगी, उसे मंदिर की मुख्य आरती करने का सम्मान प्राप्त होगा। एक जमाना था जब यह प्रतियोगिता हम हर साल जीतते थे, क्यों संजय? जी बाबूजी। परंतु पिछले कुछ वर्षों से हम हार रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस वर्ष घर की साज सज्जा तुम करोगी। हम बाबूजी कैसे? हाँ हाँ, तुम पूरे घर को अच्छी तरह से सजा दो, एकदम सुंदर कर दो। याद रहे, बहुत प्रतिष्ठित लोग आने वाले। अच्छा छोटी भाभी, अगर कुछ भी जरूरत हो तो आप हमें बोलिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। जी। पिछले कुछ दिनों में जो हादसा हुआ है, चारों तरफ बहुत थू-थू हुई है। देखो, मुख्य आरती का सम्मान दिलाकर तुम सारी बिगड़ी बात को बना सकती हो। इसे मौका समझो और मौके को हाथ से जाने मत दो। हो सकता है आखिरी मौका और दोबारा मौका ना मिले, समझी? हम आपका सर नहीं झुकने देंगे बाबूजी। घर की औरतों को श्रृंगार की वस्तुएं बांट रही है,